सब्सक्राइब कीजिए पूजा जीटी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको स्लीव्स का एक न्यू डिजाइन बताऊंगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड थैंक यू माय ऑल सब्सक्राइबर एंड व्यूअर। सबसे पहले हम अपनी बाजू की कटिंग कर लेंगे। जैसे हम अपना नॉर्मल तरीके से बाजू की कटिंग करते हैं, लेंथ हम बाजू की 3.5 इंच कम लेंगे। जितनी भी हमें अपनी बाजू रखनी है उससे 3.5 इंच लेंथ इसकी कम लेकर बाजू की कटिंग करेंगे। उसके बाद ये देखिए, मैंने 2 पट्टियाँ ली हैं। इन पट्टियों की लंबाई बाजू की बॉटम के बराबर है और इनकी चौड़ाई 4.5 इंच है। अब ये देखिए, इसके बाद ये पोटली बटन लिए हैं। ये मैंने कैसे बनाई है, मैंने अपनी पहली वाली वीडियो में बता रखा है। ये देखिए, इस तरीके से इन पोटली बटन को ऐसे रखेंगे, इस तरीके से 3 बटन्स इस पर रखेंगे हम और 3 बटन्स इस वाले पट्टी पर रखेंगे हम, इस तरीके से। और इनको हम यहाँ पर स्टिच कर लेंगे सीधी सिलाई लगाकर। यहाँ इनको एक जैसी दूरी पर रखते हुए ये स्टिच लगा लेंगे। यहाँ से ये कपड़ा हम सिलाई के लिए रखेंगे। दोनों साइड मैंने पोटली बटन स्टिच कर लिए। अब हम ये एक पट्टी लेंगे। ये देखिए, इसकी इस पट्टी की लंबाई इनके बराबर है और इसकी चौड़ाई है 2.5 इंच। हम इस पट्टी को ऐसे फोल्ड करेंगे, इधर से भी 1/2 इंच और इधर से भी 1/2 इंच। ये देखिए दोनों साइड से, और इन पट्टियों पर ऐसे रखते हुए ये देखिए इनको ऐसे मिला लेंगे। और ऐसे रखते हुए हम ये सीधी स्टिच लगा देंगे इस किनारे से भी और इधर से इस किनारे से भी पट्टी के। ये वाली सिलाई लगा ली मैंने, ये पट्टी अटैच कर ली। अब हम एक ये पट्टी लेंगे, इस पट्टी की चौड़ाई और लंबाई इसी के बराबर है। इसको इसके ऊपर ऐसे रखेंगे, दोनों का सीधा साइड मिलाएंगे, ये देखिए इस तरीके से। और ये सीधी स्टिच लगा देंगे हम यहाँ से। ये वाली सिलाई लगा ली मैंने, ये सीधी पट्टी अटैच कर ली। अब हम इसको सीधी साइड में पलट लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। और यहाँ से हम एक टॉप स्टिच लगा देंगे इसके किनारे किनारे से। ये वाली सिलाई भी लगा ली मैंने। अब हम अपनी बाजू लेंगे, ये देखिए ये बाजू की बॉटम है। बाजू को सीधी साइड से रखेंगे और ये देखिए, इस पैटर्न का भी और बाजू का दोनों को सीधी साइड मिलाएंगे और इस तरीके से रखेंगे। और यहाँ से ये सीधी स्टिच लगा देंगे। ये वाली सिलाई लगा ली मैंने। अब हम ये देखिए, इसको ऐसे सीधा कर लेंगे और इसके ऊपर से हम एक टॉप स्टिच लगाएंगे एक पैर का मार्जिन रखते हुए। ये वाली सिलाई भी लगा ली मैंने। इस तरह ये बाजू का डिजाइन कंप्लीट हो गया है। अब मैं ये फिटिंग वाली स्टिच लगाकर आपको दिखाती हूँ कि इसका लुक कैसा आएगा। बाजू पर मैंने फिटिंग वाली स्टिच लगाकर ये 2 बटन्स लगा लिए। इस तरह ये मेरी बाजू का डिजाइन कंप्लीट हो गया। इस तरीके से इसका कुछ लुक आएगा। इसमें अगर हमारी बाजू छोटी है तो इससे हम अपनी बाजू की लंबाई भी बढ़ा सकते हैं। इस तरह मेरी ये वीडियो कंप्लीट हो गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई, डिजाइन अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।